सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, आज मैं उसकी अपडेट देने वाला हूं। और अपडेट देने वाला हूं आपको गुलडहर स्टेशन की, जो कि 25 स्टेशनों में से पहला स्टेशन जो बनने वाला है, जो तैयार होने वाला है, वो है गुलडहर, जो राजनगर एक्सटेंशन के पास में पड़ता है दोस्तों। तो आज लोग आप लोग उसी की तस्वीरें देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे पूरा कि क्या क्या अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किस चीज़ का वर्क चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है वहाँ पर, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो इंफॉर्मेशनल केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल को विजिट करो और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए मिलते रहेंगे केपी संत के चैनल पर, पड़े आते रहते हैं। तो आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों कि गुलडहर के स्टेशन, सबसे पहले स्टेशन कंप्लीट होने वाला है, बन के तैयार होने वाला है, क्योंकि सन 2023 में मार्च में इस पर रूट पे 17 किलोमीटर के दायरे में पहली बार रैपिड रेल चलाई जाएगी। उसका मुहूर्त किया जाएगा श्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा। तो देखने के लिए आप बने रहिए और दिखाते हैं और आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं इस गुलडहर के स्टेशन को कि इस पे अभी किस चीज़ का वर्क चल रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी बचा हुआ है, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको दिखाते हैं पूरा कि कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है गुलडहर का RRTS का स्टेशन, और देख सकते हैं दोस्तों, आपको बता दूँ ये दोनों देख सकते हैं, ये मशीनें लगी हुई हैं जिस पे छोटे मोटे काम कर कहीं किए जाते हैं वो। और आपको बता दूँ जो इस पे पेंट करने का काम चल रहा था अंदर स्टेशन के, वो कर लिया जा चुका है। इस पे आपको बता दूँ एक्सीलेटर भी लगा दिए जा चुके हैं, जो उनकी एक्सीलेटर का फिनिशिंग का काम है बाहर का, वो किया जा रहा है। बाकी इसमें स्टेयर भी बनाए जा रहे हैं, अभी स्टेयर नहीं बने हैं। और आपको बता दूँ इस पे जो टीन शेड के खंभे लगाए गए थे, वो भी टीन शेड भी लगा दिया जा चुका है। और इस पे सनरूफ बनाने का जो काम था वो भी कर लिया जा चुका है। तो देख सकते ये है एक्सीलेटर, और इस पे अभी बाहर की जो प्लेटें होती हैं वो लगाई जाएंगी, चद्दर इसको स्टैंड की कर दिया जा चुका है, यही है। और आपको बता दूं एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अभी राइट हैंड पर नहीं बनाया जा रहा है। तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, वो भी कुछ दिनों में यहाँ काम तैयार हो जाएगा। और आपको बता दूँ यहाँ इलेक्ट्रिक सिटी भी, खम्भे फम्भे इसकी ओवरहेड वायरिंग भी, वो भी सब कंप्लीट कर ली जा चुकी है। और आपको बता दूँ जो सेफ्टी बोर्ड लगाए जाएंगे जहाँ पर हम रैपिड रेल में बैठेंगे, वहाँ तक जो सेफ्टी बोर्ड लगे होते हैं वो कुछ अलग ही तरीके के आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इस रैपिड रेल के। बहुत ही आधुनिक तरीके से ये बनाई जा रही है, बहुत ही आधुनिक तरीके से। और अभी देख सकते हैं जैसा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक तो मेट्रो का उद्घाटन किया, दूसरा वंदे भारत का उन्होंने अभी ये उद्घाटन किया, तो बहुत वर्क कर रहे हैं हमारे जो नई पीढ़ी आने वाली है उसके लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं राइट हैंड पर ये अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। देख सकते हैं स्टेयर इनको स्टैंड किया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्कर काम करते हुए देख सकते हैं ना आप लोग। और अभी यहाँ पर ये इसकी सेटरिंग लगी हुई है और इसमें कंक्रीट भर के इसको सेकंड फ्लोर बनाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर तो बना लिया जा चुका है और इसको इसमें स्टेशन से जोड़ दिया भी गया है, देख सकते हैं आप लोग। और आपको बता दूँ जो सनरूफ बनाने का काम था, जिसमें मतलब कि सन दिखाई देगा, वो वाले यहाँ पर सनरूफ लगाए जा रहे हैं, यानी कि प्लेट्स लगाए जा रहे हैं, चद्दर
लगाई जा रही है ऊपर, किस तरीके से चादर लगाई जाती है वो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऊपर पहुंचाई जा रही है, वो सब कुछ आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का ये बना हुआ है। गुलडहर का स्टेशन सबसे पहले कंप्लीट हो चुका है बनके। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो देख सकते हैं ये चादर किस तरीके से ये ली जाई जा रही है, देख सकते हैं किस तरीके से ये पहुँचा रहे हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने चार रस्से लगाए गए हैं और फिर नीचे ऊपर से नीचे रस्सा फेंका जाता, फिर उसे बांध के फिर इसको खींच लेते हैं, ताकि यहाँ पर नीचे वाहन भी चल रहे हैं तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से देख सकते हैं किस तरीके से ये रस्से बांधे हुए हैं चार, और इनके इशारे से खींचा जाता है ऊपर की साइड में। तो अभी यही वर्क चल रहा है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो लिफ्ट है वो भी लगा दी जा चुकी है, मतलब कि बहुत सारा काम हो चुका है, कंप्लीट सही हो चुका है ये। अभी आपको बता दूं इसमें 90% काम हो चुका है, 10% काम अभी इस पर बचा हुआ है। ट्रैक स्लैब भी डाल दिए जा चुके हैं, पटरी भी डाल चुकी है, सब कुछ यहाँ पर काम अब कंप्लीट सही हो चुका है। 10% काम इस पर अभी फिलहाल के लिए बचा हुआ है। देख सकते हैं सबसे पहला स्टेशन होने वाला है, और देख सकते हैं ये स्टेयर बनाने का काम चल रहा है, सेटिंग लगा दी जा चुकी है इस पर। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।